नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडी परिवार में। दोस्तों आज हम 3 जुलाई के करंट और स्टेटस के कुछ महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। इनमें से आपका कोई भी टारगेट है यानी कि आप आईएएस पर 2024 देने वाले हैं या फिर आप कोई भी स्टेट पीसीएस देने वाले हैं, लोअर पीसीएस देने वाले हैं या किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के संबंध में नीचे 3 कथन दिए गए हैं और हमें पता लगाना है कि इनमें से कथन में से कौन कौन सा सही है। तो पहला कथन क्या है कि यह जो योजना है वो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में एक गर्म पका हुआ भोजन प्राप्त करेगा। हमें जो है क्वेश्चन में पढ़ते ही पता चल गया कि किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है, ठीक है, यानी खाने वगैरह से चीजें संबंधित होंगी। तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि योजना है वो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो स्कूल होते हैं उन्हें गर्म पका हुआ भोजन ये प्राप्त कराती है। यहाँ पर कहीं भी केवल वर्ड का यूज नहीं हुआ है, केवल नहीं पे प्राप्त कराती है क्योंकि ये बाल वाटिका में प्राप्त कराती है, प्री स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल में प्राप्त कराती है या और स्कूलों के अंदर भी ये जो है खाना वो गर्म पका हुआ खाना जो है वो भेजती है। केवल का यूज होता तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता, जबकि कथन जो है वो सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, यह जो योजना है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है जबकि ये की जाती है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तो दूसरा कथन तो हो गया गलत। तीसरा क्या कह रहा है कि यह जो योजना है केवल उन क्षेत्रों में लागू की गई है जहां पोषण की स्थिति खराब है। अभी पहला कथन मैंने बताते हुए बताया था कि कहां कहां पर जो है गर्म पका हुआ भोजन जो है वो प्रदान किया जाता है, ठीक है, तो तीसरा कथन भी गलत हो जाता है। ठीक है, तीसरा कथन गलत हो गया, दूसरा कथन हो गया और पहला सही हो गया, तो आंसर क्या होगा, केवल एक आंसर जो है इसका सही है। और ये नया पैटर्न है जो हाल ही में जो यूपीएससी ने लागू किया है, अभी जो पेपर हुआ था 28 मई को, तो इस तरह क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो 2024 के लिए हमें इन क्वेश्चन की जो है प्रैक्टिस करके जानी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है G7 संगठन के संदर्भ में निम्न 3 कथनों पे विचार कीजिए। तो आइए विचार करते हैं। 2 कथन दिए गए हैं और हमें क्या पता लगाना है कि कौन सा सही नहीं है। यहाँ ध्यान देना है कि हमें आंसर एग्जैक्टली देना क्या है। पहला कथन क्या कह रहा है कि इसका जो सचिवालय है वो जर्मनी के बोन में स्थित है। देखिए ये जो है एक अनौपचारिक संगठन है तो इसका कोई सचिवालय है ही नहीं, तो जो पहला कथन है वो गलत हो गया। दूसरा क्या है कि रूस एक ऐसे संगठन के अंदर एक नवीनतम सदस्य है, 2014 के बाद ये सदस्य नहीं रहा था, 2014 में ये लंबित कर दिया गया था। जब पहले क्या था, पहले ये G8 होता था और रूस के निकलने के बाद ये जो है G7 हो गया था, तो उसके बाद उसको शामिल नहीं किया गया है, तो दूसरा कथन भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि ये कथन जो है वो सही है कि नहीं। आइए देख लेते हैं। पहला कथन दिया गया है कि आदि ग्रंथ का जो संकलन है वो गुरु अर्जुन देव ने किया था, और दूसरा क्या कह रहा है कि आनंदपुर साहिब की स्थापना जो है गुरु तेग बहादुर ने की थी। तो आइए इन दोनों ही देव के बारे में जान लेते हैं। देखिए गुरु अर्जुन देव जो है उनका टाइम पीरियड रहा है और 1604 में आदि ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। उन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण पूरा किया और वे साहेदीन दे सरताज के रूप में जो है विख्यात थे, ठीक है, ये बात हो गई गुरु अर्जुन देव। दूसरी किन की बात होनी है, गुरु तेग बहादुर की, उनका टाइम पीरियड रहा है 1621 से 1675, ने आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी और ये हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। इनकी हत्या जो है वो औरंगजेब द्वारा की गई थी, तो इनके बारे में पता चल चुका है दोनों ही कथन जो है वो सही है, सही पूछा गया तो आंसर इसका सी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का जो अमेजन है यानी कि यूरोप का जो अमेजन नदी है वो किसे कहा जाता है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा चेक भी करेंगे। देखिए मुरा दरवा डेन्यूब जो बायोस्फीयर रिजर्व को यूरोप का अमेजन कहा जाता है और यह यूरोप का सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र है। यह बायोस्फीयर रिजर्व जो है मुरा दरवा और डेन्यूब नदी के 700 किलोमीटर के क्षेत्र में ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया में फैला हुआ है, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर होगा इसका मुरा दरवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व को कहा जाता है, तो आंसर इसका डी हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पहला कथन है कि एशिया जनसंख्या व क्षेत्रफल, जनसंख्या और क्षेत्रफल के दोनों के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये हम भी जानते हैं कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या और क्षेत्रफल इसका क्या है। तो पहला कथन तो हो गया सही। दूसरा क्या है, जो बेरिंग है जलसंधि एशिया की उत्तरी अमेरिका से अलग करती है, तो दूसरा भी सही है। और हमसे क्या पूछा गया है, कथन सही के बारे में पूछा गया है, तो आंसर इसका क्या हो गया, सी इसका आंसर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची के आधार पर, ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सूची के अंदर एक और रचनाकार है, दूसरी और उनकी रचनाएं हैं। तो पहले देखिए क्या क्या दिया गया है, ईश्वर कृष्णा जो है, ईश्वर कृष्णा किससे संबंधित है, इनकी जो रचना है वो कौन सी है, वो है सांख्यकारी का दंडनी। इनकी कौन सी रचना है, वह है दस कुमार चरित, और अमर सिंह की अमरकोश है। तो यहाँ से हमें आंसर मिल चुका है, यानी कि बी का वन है। बी का वन कौन से में है, बी में है। तो इसी तरह काफी बार क्या होता है कि हमें इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलते हैं कि एक का हमें पता हो तो भी आंसर जो है निकल जाता है, मगर हमें नॉलेज होने जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है वो सूची के आधार पर ही है, हम यहाँ आपको सूची के आधार पर भी आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, फैक्ट भी कवर कराएंगे और कंसेप्ट भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे, यानी करंट और स्टैटिक के सभी तरीके के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाएगी। तो एक और विटामिन है, एक और रोग है, तो हमें चेक करना है, सूची में मिलान करना है। थायमिन किससे संबंधित है, वो है बेरी बेरी से, यानी कि ए का फोर है। ए का फोर किस में है, आंसर तो हमें मिल चुका है, मगर देख लेते हैं थोड़ा सा और, जो है थायसिन। थायसिन क्या है, थायसिन किससे संबंधित है, तो वो है पेलाग्रास से, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिलान करना है और हमें पता लगाना है कि जो विटामिन है वो किस रोग से संबंधित है। काफी बार एक ही से आंसर मिल जाता है, मगर नॉलेज जो है वो जरूरी होती है, वो आप देख लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम बाघ अभ्यारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है पहला, यानी कि दुधवा बाघ अभ्यारण जो है वो पहला अभ्यारण है, दूसरा जो है अमनगढ़ बाघ अभ्यारण है, तीसरा पीलीभीत बाघ अभ्यारण है। याद रखिएगा यही इनका क्रम भी है, दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कॉफी बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि भारतीय कॉफी बोर्ड जो है वो अधिनियम 1942 की धारा 4 के तहत गठित एक वैधानिक संगठन है, तो पहला बिल्कुल सही दिया गया है और इन पे आप फोकस कीजिएगा। देखिए कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कि ये फैक्ट हो गया कि कौन सा अधिनियम है और कौन सा वैधानिक संगठन है या संवैधानिक संगठन है, किस तरह का संगठन है, और ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी के अंदर पीसीएस के अंदर पूछा जाता है। अब की बार भी यूपीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आया था, चार संगठन दिए गए थे, उसमें पूछा गया था कि कौन सा जो है वो सांविधिक संगठन है, ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इसका मुख्यालय जो है वो केरल में है, जबकि इसका मुख्यालय जो है वो बैंगलोर में है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया, मगर हमसे क्या पूछा गया है, सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है, दूसरा, यानी कि आंसर इसका केवल दो हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के संपर्क कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था, तो वो आयोजित किया गया था नागालैंड में। तो हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।